हाय, दिस इज मी रिद्धि और आज का वीडियो है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू का बुक रिव्यू। सो स्टीग लार्सन के द्वारा लिखी गई ये बुक जो है वो कोल्ड थ्रिलर है और कोल्ड थ्रिलर होने के कारण इसमें बहुत सारे वायलेंस है। सो मेनी अमेजिंग स्टोरी एंड सो मच वायलेंट सीन्स है जो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं और बहुत अच्छे से बताए गए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी पहली थ्रिलर नॉवल जो मैंने पढ़ी आज तक, मैं थ्रिलर ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, सो इसमें फर्स्ट थ्रिलर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थ्रिलर की मेरी शुरुआत करने के वक्त। और इसकी जो स्टोरी जो है वो एक्चुअली ऐसी है कि जो हैरियट वैंगा जो 40 साल पहले गायब हो चुकी थी, जो जो उसका अंकल हैरियट का वो हेनरिक वैंगा चाहता था कि जो मिकाया ब्लूमकिस्ट है, सो दैट वॉज लिटिल बट लाइक टंग ट्विस्टर फॉर मी, दैट्स व्हाई। तो वो जो है वो बहुत अच्छा अमेजिंग जर्नलिस्ट है, सो वो चाहते थे कि ये जो है वो उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करे। तो उनके साथ में हमारे साथ भी हमें एक कैरेक्टर मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ सैलेंजर। सो आपको ये बुक में एलिजाबेथ सैलेंजर बहुत पसंद आएंगे बिकॉज दिस कैरेक्टर इज सो अमेजिंग। उसको इस बुक में जिस तरह से दिखाया गया है बहुत अच्छे से दिखाया गया है, एवरी थिंग दिस कैरेक्टर इज रियली सो एनर्जेटिक। और उसने बहुत हेल्प किया था मिकाएल की इस जिसको सॉल्व करने में, एंड दैट्स व्हाट सो गुडली टोल्ड कि सब कैसे हुआ सब मॉडर्न मिस्ट्री, एंड इट वॉज सो अमेजिंग। और जो कुछ कैरेक्टर्स मैं बताऊँगी इसके इन तीनों को छोड़ के, तो पहला है मिकाएल ब्लूमक्विस्ट, एलिजाबेथ सैलेंजर, हेनरिक वैंगा, फ्रोडो बेरिका, उसके बाद में है मार्टिन वैंगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बुक में आए हैं, उसको छोड़ के भी देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन दिस बुक और सबका इस मिस्ट्री में भी सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो बुक है ये बहुत स्वीडन की लिखी गई बुक है, तो स्वीडिश राइटर है, तो इसमें थोड़ा सा स्वीडिश वर्ड है, तुमको समझ में आएंगे कि नहीं, दिस इज देयर, बट दिस बुक आर रियली अमेजिंग। और मुझे इस बुक का जो प्लॉट ऑफ स्टोरी है वो मुझे बहुत पसंद आई है, एंड मुझे बुक में ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे नहीं अच्छा लगा। एवरीथिंग इच एंड एवरी स्टोरी इच एंड एवरी पार्ट इज सो अमेजिंग। हैरियट वैंगा की कुछ स्पॉयलर्स देना चाहती थी मैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स बिकॉज इफ आई गिव यू स्पॉयलर्स यू आर गोइंग टू नॉट एंजॉय दिस बुक। तो आई जस्ट रीड द फर्स्ट बुक एंड द फर्स्ट बुक वॉज रियली अमेजिंग और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बुक। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थिंक आई रिकमेंड टू रीड दिस थ्रिलर, चाहे आपको पढ़नी चाहिए, आई एम गोइंग टू गिव दिस 4 out of 5 stars। सो दिस बुक इज दैट अमेजिंग की 4 out of 5 stars आर इट्स वर्थ टू रीडिंग दिस बुक। और ये जो बुक है वो जो बहुत अच्छे से, मैंने एक्चुअली ऑडियो बुक सुनी थी ये बुक बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ लाइक दैट कॉपी ऑफ दिस बुक एज फ्री, बिकॉज पर मेरी जब ऑडियो बुक सेक्शन में मुझे फ्री में बुक थी, तो आई जस्ट गॉन एंड रेड दिस बुक विच वॉज सो अमेजिंग। और एक्चुअली आई वांटेड टू एक्चुअली स्टार्ट करना था मुझे थ्रिलर नॉवल, तो मेरी एक फ्रेंड है उसने मेरे को रिकमेंड किया था फॉर रीडिंग दिस बुक, सो दैट्स आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड मुझे बहुत पसंद आई ये बुक। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड दिस इज द थ्रिलर विच आई रियली आई एम सो हैप्पी दैट थ्रिलर की शुरुआत मैंने ये बुक से पढ़ना शुरू करी है, और आई एम जस्ट सून गोइंग टू रीड दैट बुक 2 and book 3 ऑफ दिस, एंड दैट्स इट गाइस। दिस वाज ओनली द बुक रिव्यू, इट वाज वेरी शॉर्ट एंड गुड आई थिंक। सो इफ यू लाइक दिस रिव्यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल नोटिफिकेशन, तो आपको पता चलेगा जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी। और ये जो वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो इसको एक थम्स अप दो और साथ में ही कमेंट करो आपके व्यूज था आपने बुक पढ़ी, और मुझे बताओ आप कौन सी बुक अभी करंटली रीड कर रहे हो बिकॉज लॉकडाउन है, सो वी कैन रीड सो मेनी बुक्स एज मच एज वी कैन। सो बाय गाइज़।